दोस्तों, यह कहानी दो भाई बहन रोहन और शिल्पा की है। शिल्पा एक बेहद सुंदर और जवान लड़की होती है। शिल्पा इतनी खूबसूरत होती है कि पूरे गांव की लड़की उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। शिल्पा का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम रोहन था। दोनों भाई बहन अपने माता पिता के साथ गाँव में ही रहते थे। शिल्पा 12वीं कक्षा में होती है और रोहन 10वीं कक्षा में। रोहन और शिल्पा कहने को तो अब बड़े हो गए थे, पर वो दोनों बहुत शरारती और बिगड़े हुए थे। वो दोनों अपने माता पिता की कोई बात ही नहीं मानते थे और सिर्फ अपनी बात ही घर में चलते थे। पढ़ाई में भी दोनों अच्छे नहीं थे और दोनों का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, और वो रोज नई शरारते करने में अपना मन लगाते थे। और अब उन दोनों के माता पिता बहुत परेशान थे, क्योंकि उन दोनों की उम्र अब बढ़ती जा रही थी और बढ़ती हुई उम्र में अब दोनों का एक साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। शिल्पा अब 21 साल की हो गई थी और अब वो दिखने में और भी ज्यादा सुंदर हो गई थी। शिल्पा की माँ सोचती है कि 12वीं की परीक्षा पास करते ही वो दोनों शिल्पा की शादी कर देंगे, और शिल्पा के पिता भी यही चाहते थे कि वो जल्द जल्द एक अच्छे घर का लड़का देख शिल्पा की शादी करवा दे। इसलिए अब दोनों माँ बाप रिश्ता ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन शिल्पा के मन में तो कुछ और ही था और वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी। वो तो अभी इस उम्र में जिंदगी के मजे उठाना चाहती थी। वो लाइफ को अपने मर्जी से जीना चाहती थी और वो रोज नए नए बहाने बनाकर रिश्ते देखने से मना कर दिया करती थी, और वो रोज स्कूल से घर आती और अपने भैया के साथ गप्पे मारती थी। शिल्पा और उसके भाई की आपस में बहुत बनती थी। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते थे। ऐसा देख उनके माँ बाप को अब बहुत बुरा लगता था, क्योंकि अब वो दोनों बड़े हो चुके थे और ऐसे उन दोनों को साथ कोई और देख ले तो और ज्यादा बदनामी होती, और ऐसे ही दोनों की जिंदगी चल रही होती है। एक दिन शिल्पा की माँ कहती है, बेटी मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। ये बात सुनते ही शिल्पा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती थी और वो अपने भाई के साथ ही रहना चाहती थी। लेकिन फिर भी शिल्पा अपनी माँ से कहती है, ठीक है माँ, आपको जहाँ मेरी शादी करवाना है करवा दो, मैं तैयार हूँ। और ये झूठ कहकर वो अपने भाई के साथ प्लान बनाती है कि वो शादी वाले दिन ही मंडप से भाग जाएगी और शादी नहीं करेगी। और ये सारा प्लान वो अपने छोटे भाई रोहन को बताती। वो बोलता है, वाह दीदी, आप कितनी समझदार हो, मैं इस प्लान में आपके साथ देने के लिए तैयार हूँ। शिल्पा को भी बहुत खुशी होती है कि उसका छोटा भाई उसे ऐसा करने में उसकी मदद करेगा। लेकिन ये सारी बात उन दोनों की माँ सुन लेती हैं और वो कमरे में आती है और कहती है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम दोनों को अपने माता पिता के इज्जत की कोई परवाह नहीं है क्या? तब शिल्पा अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। तब शिल्पा का छोटा भाई रोहन बोलता है, माँ आप मेरे रहते दीदी की शादी जबरदस्ती नहीं कर सकती। तब रोहन और शिल्पा की माँ बोलती है, ठीक है बेटा, मत करना शादी, क्या पता शादी के बाद तुम ससुराल में क्या गुल खिलाओ। और यह बातें कहकर वह उन दोनों के कमरे से चली जाती है। दोनों भाई बहन बहुत खुश होते हैं कि वह शादी तोड़ने में सफल रहा है और अब वह दोनों एक साथ ही रहेंगे। अब जब दोनों के माँ बाप समझकर हार चुके होते हैं तो वो भी कहना छोड़ देते हैं। और अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और अब शिल्पा कॉलेज के आखिरी साल और उसका छोटा भाई पहले साल में होते हैं। दोनों एक साथ कॉलेज जाते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं, और घर आकर भी दोनों टीवी पर दिन भर फिल्में ही देखते हैं। और दोनों भाई बहन को अपने माता पिता की तो कोई परवाह ही नहीं थी, पर शिल्पा का भी एक सपना होता है। वो मॉडल बनना चाहती है, जिसके बारे में वो सिर्फ अपने छोटे भाई से ही बताती है, क्योंकि उसने अपने माँ बाप से पहले भी एक बार ये बात कही थी। तब उसके माता पिता ने उसे डांट कर बिठा दिया था, पर रोहन अपनी बहन का सपना पूरा करवाना चाहता था, जिस वजह से वो हमेशा शिल्पा दीदी की शादी रुकवा देता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन का सपना अधूरा रहे। और एक दिन की बात है, शिल्पा के गाँव में एक अजय नाम का लड़का आता है,
जो कि मॉडल्स की तस्वीरें खींचकर मैगजीन पर लगाने का काम करता है। और जब शिल्पा को पता चलता है कि गांव में कोई ऐसा लड़का आया है, तो वह तुरंत उसके पास जाती है और उसे पूछती है, क्या आप मैगजीन पर फोटो लगाने का काम करते हो? तब अजय शिल्पा से कहता है, हाँ, मैं मैगजीन पर फोटो लगाने का काम करता हूँ। और आप तो दिखने में बहुत ज्यादा ही सुंदर है और आप तो बहुत बड़ी मॉडल बन सकती हैं। आप कहिए तो मैं आपकी भी फोटो लगा दूं। और आप अगर मैगजीन पर अपनी फोटो लगा देती है तो आपको एक फोटो का 1,000 रुपए दिया जाएगा। शिल्पा यह बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती और मन में वह सोचती है कि शायद अब उसका सपना सच हो जाएगा और वह अब एक मॉडल बन जाएगी। और वह तुरंत हाँ कर देती है। हाँ करते ही अजय उसकी एक बहुत ही अच्छी सी तस्वीर लेता है और उसे 1,000 दे देता है। और अजय शहर जाकर उस तस्वीर को मैगजीन पर लगवा देता है। अरे ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर अजय एक तस्वीर लेने के बाद शहर ही में होता है। कुछ दिन और बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद कही आ जाए शिल्पा का पता खोजते हुए उसके घर आता है और घर का दरवाजा खटखटाते हुए बोलता है, जी घर पर कोई है? तभी सिर्फ आपका छोटा भाई रोहन निकलता है, क्योंकि शिल्पा ने अपने छोटे भाई को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तो वह अजय से पूछता है, जी बताइए क्या काम है? अजय बोलता है, क्या यह शिल्पा जी का घर है? मुझे शिल्पा जी से मिलना है। तब रोहन अपनी दीदी को आवाज देता है और उसकी दीदी तुरंत दरवाजे पर आती है। वह अजय को देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी वही एक आखिरी उम्मीद था जो उसके सपना पूरा करवा सकता था। तभी अजय शिल्पा से बोलता है, शिल्पा जी, शहर में आपकी तस्वीर को बहुत ज्यादा पसंद किया गया है और ये रहे आपके 50,000 रुपए। अब आप शहर में बहुत ज्यादा मशहूर हो चुकी हैं और क्या आप शहर जाकर मॉडलिंग करना पसंद करोगी? ये बात सुनकर शिल्पा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुशी के मारे झूम उठती है और वो अजय से कहती है कि मैं एक शर्त पर आपके साथ जाऊंगी और उसको भी मैं अपने साथ मॉडलिंग करवाऊंगी। तो अजय इस बात के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद वह दोनों भाई बहन शहर चले जाते हैं। शहर में वह दोनों बहुत सारी फोटोज खिंचवाते हैं और उन दोनों की फोटो अब बहुत ज्यादा शहर में प्रचलित हो जाती है, जिस वजह से वह दोनों बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, जिससे वह दोनों शहर में अपना घर ले लेते हैं। और अब दोनों भाई बहन को किसी भी चीज की कमी नहीं है सिवाय माँ बाप की, क्योंकि वह माँ बाप अभी भी गांव में ही थे। तब उन दोनों को अपने माता पिता की अहमियत पता चलती है और वह दोनों तुरंत गांव जाकर अपने माता पिता को शहर ले आते हैं। और अब उनका परिवार बहुत हंसी खुशी चलने लगता है, लेकिन उनके माता पिता अभी भी चाहते थे कि शिल्पा का घर बस जाए। और शिल्पा वैसे भी अब इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी थी कि अब उसको रिश्ते की कोई कमी नहीं थी। रोज उसके घर पर 4 से 5 रिश्ते आते थे और अब उसकी माँ भी कहने लगी, बेटा अब तू एक अच्छा सा रिश्ता पसंद करके अपना घर बसा ले। क्योंकि शिल्पा भी अब 25 साल की हो चुकी थी, जिस वजह से उसको अब इतनी समझ आ चुकी थी कि क्या सही है और क्या गलत है, और अब उसका सपना भी पूरा हो चुका था। तब वह अपने माता पिता की बात मान लेती है और एक अच्छा सा रिश्ता देखकर शादी कर लेती है। वह जब शादी करके अपने ससुराल जाती है तो उसे अपने घर वालों से दूर जाते हुए देख उसका भाई बहुत ज्यादा दुखी होता है। पर यह दुनिया का सच है कि बेटी हमेशा अपने घर नहीं रह सकती, एक न एक दिन उसे ससुराल जाना ही पड़ता है। तब रोहन अपनी दीदी से जाकर कहता है, दीदी आप सोचे नहीं, आपको जब भी मेरी याद आए आप मेरे पास चली आना, जब भी आपको माता पिता से मिलना हो आप आ जाना, नहीं आप आओगी तो हम दोनों आपसे मिलने आ जाएंगे। यह बातें सुनते ही शिल्पा अपने छोटे भाई को गले लगाती है और कहती है, अरे अब तू भी बड़ा हो गया है और तू भी अपना घर बसा ले। कुछ सालों बाद ही रोहन भी लव मैरिज शादी कर लेता है और उन दोनों का परिवार हंसी खुशी चलने लगता है। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे कहानी को लाइक कीजिए। धन्यवाद।